वाल्मीकि समाज के पेड़ हुए, जबकि हमें ना तो हमें ना गुरु जी को किसी के पेड़ धुलाने की जरूरत है। हम तो ये चाहते हैं जो हमें हमारे समाज की बार बार गठन में प्रतिदिन दिन प्रतिदिन पूरे भारत में मौतें हो रही है, उसके लिए हमें जैसे शहीदों को दर्जा दिया जाता है वैसे शहीदों को दर्जा दिया जाए, वह हमारा मान सम्मान किया जाए। आपने देखा होगा जब कभी भी वाल्मीकि समाज की कोई घटन में मौत होती है तो ना तो कोई राजनीतिक पार्टियां जैसे कोई भी जैसे बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो कोई भी हमें हमारे घर पर सांत्वना देने नहीं आती। अगर आती है तो कुछ सेकंड के लिए, अभी आई अभी भूल गई, ऐसे हमें नहीं चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से यह आह्वान करना चाहते हैं इस मंच से कि हमें हमें हमारा हक दिया जाए, हमें जो भी उचित मुआवजा की और वो अलग आरक्षण की आवश्यकता है। जैसे कि एक पिता के चार बच्चे होते हैं, चार बच्चों के अलग अलग घर होते हैं, हमें हमारा घर अलग दे दो। संपूर्ण भारत में जितने भी राज्य है जितने परसेंट हमारे बनते हैं, चाहे 1% बने चाहे 0.5% बने, हमें वो हमें हमारा अलग दे दिया जाए। आज तक वाल्मीकि समाज को किसी प्रकार का कोई भी फायदा आरक्षण के हिसाब से ना मिलता, मिला भी है तो 0%। ठीक है, और एक हाल ही में मोदी जी ने 13% रोस्टर प्रणाली लागू कर दी, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनीय है। आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय में और जो हमारे न्यायालय में कभी अगर पद होते हैं तो वो मात्र एक या दो पद होते हैं, अब हमें लेकर खड़ा कर दिया पीछे, अब हम वहाँ पर कहाँ तक कब तक जाएंगे? ऐसा कभी हुआ कि 10, 15 या 20 वहाँ पर पद हुए हैं? ठीक है, तो हम ये इस मंच से वो कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि हमें ये चचूरे पार्टी बंद करो और हमें हमारा जो हक है रावण साहब जी के नेतृत्व में वो हमें हमारा हक दे दिया जाए।